अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नौशाद भाई भी कौन सी रोड में सफर कर रहा है और नौशाद भाई का एक परेशानी आई है तो उस परेशानी के बारे में बताएंगे और न्यू हीरो आए हैं उसको भी दिखाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नौशाद भाई दुबई में सफर कर रहा था और मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि नौशाद भाई दुबई के अबू धाबी रोड में सफर कर रहा था। तो नौशाद भाई अबू धाबी रोड में सफर करते हुए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के सामने से गुजरते हुए नजर आ रहा है। ये खूबसूरत सा वीडियो आप देख पा रहे हैं और अभी नौशाद भाई अबू धाबी रोड से ग्वाइफत बॉर्डर की तरफ सफर रवाना कर दिया है और जल्द ही ग्वाइफत बॉर्डर होते हुए अलबत्ता में एंटर करेंगे। और नौशाद भाई का एक परेशानी आई है, वो परेशानी ये है कि सऊदी अरब के अलबत्ता से 200 किलोमीटर तक सिर्फ रोड है और मरुभूमि इलाका है, वहाँ पर कुछ भी घर वगैरह मस्जिद वगैरह कुछ भी नहीं है। तो नौशाद भाई के लिए जरूर दुआ करें कि नौशाद भाई की जो परेशानी आई है वो परेशानी दूर हो जाए। और अभी नौशाद भाई अबू धाबी रोड में सफर कर रहे हैं, जल्द ही नौशाद भाई सऊदी अरब में एंटर करेंगे और जब नौशाद भाई सऊदी अरब में एंटर करेंगे तब हम आपको अपडेट जरूर बताएंगे। तो बोलने में समझाने में कोई गलती हुई तो इसलिए करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा